दोस्तों, प्लास्टिक का आविष्कार होने से पहले कांच ही एक ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ थी जो आसानी से किसी भी आकार में मोड़ी जा सकती थी। कांच का इस्तेमाल कई चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि खिड़कियाँ, फिश पॉट, कांच के बर्तन, बॉटल्स, प्लेन मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से लेकर लाइट्स बनाने तक कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कांच दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ग्लास और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज़ ग्लास। स्पेशल पर्पज़ ग्लास खास कामों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास, कार के शीशे, ऐसी चीज़ों के लिए स्पेशल पर्पज़ ग्लास का ही उपयोग होता है। घरों में उपयोग होने वाले 90% चीज़ें ज़्यादातर ऑर्डिनरी ग्लास से ही बने होते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी कांच को बनाने की प्रक्रिया को जानेंगे। दोस्तों, कांच बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कोई साधारण रेत नहीं होती, क्योंकि कांच बनाने की मात्रा 99% होनी चाहिए। ऐसे ही रेत का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। कांच बनाने के लिए मुख्यतः तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें 75% सैंड, 15% सोडा ऐश और 10% लाइम मतलब चूना। इन सभी चीज़ों को मशीन में अच्छी तरह पीस लिया जाता है और इनमें कुछ पुराने कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। इन सभी मिक्सचर को एक भट्टी में लगभग 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। इस टेम्परेचर से रेत ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण मिक्सचर पिघलना शुरू हो जाता है और सारा मिक्सचर सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। देखने पर यह किसी हनी या जेली की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, यही मिक्सचर ठंडा होने पर कांच में बदल जाता है। पिघले हुए लिक्विड को मनचाहे आकार वाले धातु से बने सांचे में डाला जाता है। सही आकार देने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह कांच को बनाया जाता है। कांच की प्लेन शीट बनाने के लिए प्लेन प्लेटफॉर्म के ऊपर निकाला जाता है। ठंडा होने पर कांच के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया जाता है। साथ ही कलर वाले ग्लास को भी इसी तरह बनाया जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी समय मिक्सचर में ज़रूरत के अनुसार केमिकल्स मिलाए जाते हैं। दोस्तों, कांच के मार्बल्स भी इसी तरह बनाए जाते हैं। मार्बल्स बनाने के लिए गर्म मिक्सचर को कई छोटे छोटे भागों में कटिंग मशीन द्वारा काटा जाता है और इन्हें रिंग्स आउटलेट से निकाला जाता है, ताकि इन्हें परफेक्ट राउंड शेप दिया जाए। राउंड शेप देने के बाद इन्हें लगातार कलेक्शन पॉइंट पर ठंडा होने के लिए भेजा जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें पैक किया जाता है और ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।